मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आज एक खास दिन है, पूरे दुनिया भर के लोग आज नर्सिंग डे करके इसको मनाते हैं। मेडिकल में नर्सेस के रूप में दुनिया भर के लोग इतना जो है काम करते हैं नर्स के रूप में, उनके लिए आज खास करके इस दिन को मनाते हैं। जो भी सिकसिया में काम करते हैं उनके लिए ये खास दिन है। यदि आप नर्स के रूप में काम करते हैं, आपके लिए मैं आपके दिल की गहराई से मैं आपको बधाई करता हूँ। जैसे डॉक्टर की भूमिका खास होती, वैसे भी आपका काम भी है। यदि डॉक्टरों को काम को देखिएगा, वे क्षण भर के लिए थोड़े देर के लिए वो आके देखते हैं, लेकिन आप 24 घंटा उस मरीज के साथ रहते हैं। इसलिए आपका काम में जो है, जो भी काम करते हैं अर्पणता के साथ करते हैं, आपका काम बहुत ही खास है। इसलिए मैं कहता हूँ आप धन्य पुरुष है, धन्य स्त्री है, जो भी नर्सेस के रूप में है। आपके लिए एक वादा प्रभु देना चाहता है। निर्गमन का पुस्तक पहला अध्याय की 21वां वचन में देखिए, और दाइयां इसलिए वे कि परमेश्वर का भय मानती थी उसने उनके घर बसाए। 20वीं वचन में, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ हो गए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देके फुलाएंगे पलाएंगे, क्योंकि मिस्र में इब्रीक जो बच्चे थे उन सबको मुहाने के लिए मिस्र के राजा ने उन दिनों में आज्ञा निकाली थी, वैसे ही उन्होंने किया। इसराइलियों की संख्या बढ़ने के चलते उस राजा ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया, लेकिन उस नर्सस काम जो करते थे उन्होंने बुद्धिमानी से राजा की बातों का ना मानते हुए राजा को सही उत्तर दिया और इसराइलियों के लिए उन्होंने भलाई की। उन सब को उन्होंने बचाने के चलते परमेश्वर ने उस दाइयों की घर को आशीष दी और बढ़ाई थी, उसी को हम देखते हैं। उग्रेन की वार को आप देखिएगा, इतनी भम की वर्षा हो रही है, लेकिन वहाँ के लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। वहाँ के नर्सेस लोग मरीजों को बचाने के लिए वहीं पर सेवा करते थे। उसके देख मैं परमेश्वर को स्तुति किया। कोरोना का समय में देखिए, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। डॉक्टर लोग नर्सेस लोग वहीं पर ठहर के दिन रात उनको सेवा किया। उनको ये भी मालूम है ये बहुत कतरा है, लेकिन अपने जीवन को ताव में लगा कर वे सब जो है उन मरीजों के लिए सेवा किए। सचमुच में आपका काम में इतना बोझ है। हकीकत तो है डॉक्टर लोग हैं और मरीज एक तरफ बोलते हैं, बहुत चारों तरफ में आपको दवा है, बहुत ही है, सब लोग जानते हैं चारों तरफ दवा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भलाई करूंगा, तुम्हारे परिवार के बीच में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यदि आप नर्सेस के रूप में काम करते हैं तो हे प्रभु तू भलाई करने के लिए वादा किया, मेरे परिवार में ये कमी है, ऐसे बोल के आज प्रार्थना कीजिएगा तो आपका परिवार में परमेश्वर आज एक अद्भुत काम को करेंगे। आज के बाद आपका जीवन में सारे कमी को प्रभु दूर करेगा, आपका जीवन के आशीष को प्रभु बढ़ाएगा। क्या आज हम मिलकर प्रार्थना करें? पिताजी, हे प्रभु, इतना कठिन मेहनत जो दिन रात काम करते हैं और प्रभु मरीजों के बीच में इतना तकलीफ के साथ वे बोझ के साथ सेवा करने वाले इस दाइयों के साथ तू आज अपने आशीष को देना है, उनके परिवार की कमी को तो दूर करना है। आज ही सारे लोगों को आशीष मिलने के लिए, उसके परिवार के सारे कमियों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर आज उनके आशीष को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन को यीशु के नाम से कमी को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन।